अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ काशिफ फ्रॉम प्रॉपर्टी मीटर पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज आपको मैं दिखाने लाया हूँ गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद। गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद आप तो जानते होंगे, बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है, बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है। आपको दिखाते हैं आज, आपको छोटा सा एक ओवरव्यू देते हैं गुलबर्ग ग्रीन्स का। तो मेरे साथ आए, लेके चलते हैं आपको। अच्छा जी, हम जैसे ही गुलबर्ग के अंदर एंटर होते हैं, यहाँ से हम हाईवे से आ रहे हैं, इस्लामाबाद हाईवे से ये रास्ता सीधा रवात चला जाता है और हम यहाँ से लेफ्ट होते हैं तो हम गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर जो है वो एंटर हो जाते हैं। अच्छा जी, ये गुलबर्ग के अंदर अब हम एंटर हो गए हैं। ये सीधा अभी जो है गुलबर्ग का एक बड़ा मशहूर जो है वो रेड ब्रिज है, वो आ जाता है जैसे ही हम इसके अंदर एंटर होते हैं। अलबत्ता ये है, आपको इतना खूबसूरत वेदर हुआ हुआ है कि भाई जान ना पूछें, बारिश का कोई पता नहीं चलता, एकदम से बादल आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा, अभी जो है मैं समामा माल आ जाता है शुरू में राइट साइड के अंदर। ये देखें, एक बड़ी मज़े की जो है वाइब्स हैं। जैसे ही हम गुलबर्ग के अंदर एंटर होते हैं तो शुरू राइट लेफ्ट के अंदर इतने खूबसूरत माल्स हैं कि एक अपनी उसकी वाइब्स आती हैं। और मैं तो कहता हूँ गुलबर्ग में जैसे ही मैं एंटर होता हूँ तो बहुत मज़ा आता है मुझे। अब यहाँ पे गुलबर्ग के अंदर राइट लेफ्ट पे माल्स ही माल्स हैं। अच्छा, गुलबर्ग के अंदर आपको मैं बताता जाऊँ तो हर तकरीबन किलोमीटर के बाद आपको एक राउंड अबाउट मिलता ही मिलता है। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पर स्कूल्स वगैरह आ जाते हैं, फ्रोबेल्स का स्कूल है, और यहाँ से हम राउंड अबाउट से बिल्कुल सीधा होंगे। आज जो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ विदाउट एनी डर, बिल्कुल हम सीधा जाएंगे गुलबर्ग में। हम एंटर हो गए हैं गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद में और देखते हैं कि हम आपको पूरा गुलबर्ग ग्रीन्स का एक लिमिटेड टाइम के अंदर, आपका टाइम चूँकि कीमती है और इस लिमिटेड टाइम के अंदर आपको गुलबर्ग ग्रीन्स का पूरा ओवरव्यू देना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि आप जिस भी शहर में बैठे हों, जिस भी ओवरसीज हैं, जहाँ पे बैठे हैं, तो आप गुलबर्ग ग्रीन्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ये जी गुलबर्ग ग्रीन्स के खूबसूरत माल्स आ जाते हैं और ये बहुत प्यारे लगते हैं। आज तो वैसे भी इस्लामाबाद का मौसम बहुत प्यारा है और इनकी एक अपनी लुक है। गुलबर्ग ग्रीन्स जो है ये एक अपनी नोयत का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है। उसकी वजह यह है कि ये तकरीबन मेन बॉलीवुड में ही है। अभी इस वक्त हम जब से एंटर हुए हैं, आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 8 किलोमीटर का डिस्टेंस अब हम कवर करके अंदर जाएंगे जहाँ से गुलबर्ग रेजिडेंशिया का स्टार्ट होगा। यानी कि अभी तक गुलबर्ग ग्रीन्स के जो हैं फार्म हाउसेज लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे फार्म हाउसेज आ जाते हैं और बिल्कुल मेन बॉलीवुड के साथ इनका कमर्शियल आ जाता है। अच्छा, गुलबर्ग ग्रीन्स की मैं अक्सर दोस्त ये चीज़ कहते हैं गुलबर्ग ग्रीन्स के बारे में कि गुलबर्ग ग्रीन्स की एक जो नेगेटिव पॉइंट इसका शेयर करते हैं मेरे साथ, वो ये है कि 8 किलोमीटर के डिस्टेंस तक इनका जो है वो कोई रेजिडेंशियल स्टार्ट नहीं होता, लेकिन 8 किलोमीटर के ऊपर जो है वो कमर्शियल ही कमर्शियल और दुकानें ही दुकानें और प्लाजे ही प्लाजे बनते जा रहे हैं। तो लेगा कौन और रहेगा कौन? तो मेरा इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थोड़ा चेंज है। वो ऐसे कि गुलबर्ग ग्रीन्स एक फ्यूचर है। एक तो चीज़ ये होती है कि सोसाइटी बनाई और साथ साथ कमर्शियल डाला और निकल गए, तो वो चीज़ होती है, डेवलप होती है और उसके बाद वो डेवलपर निकल जाता है वहाँ से। ये एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है कि यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म जो है कह लें कि पूरा का पूरा मिनी इस्लामाबाद गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर शिफ्ट हो रहा है। इसके मेन बॉलीवुड उसके साथ सर्विस रोड है और फिर चाइनार का हेड ऑफिस यहाँ पर है, बिल्कुल स्टार्ट में आता है लेफ्ट साइड राइट साइड पर। अगर आप इंटर हो रहे हो चाइनार का हेड ऑफिस आता है, फिर इसी तरह हम आगे जाते हैं तो एक यूनिवर्सिटी आती है, वो मैं यूनिवर्सिटी आपको दिखाऊँगा तो आप देखेंगे कि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म के उनके अभी आर्किटेक्चर है। गुलबर्ग ग्रीन्स को अगर मैं आर्किटेक्चर के नंबर दूँ, इनका जो मैप है, डिज़ाइनिंग है, तो वो बहुत ही कोई खूबसूरत है। इनका रोड स्ट्रक्चर और हर चीज़, स्ट्रीट्स वगैरह, वो तो बहुत ही खूबसूरत है। 10 किस्म के खूबसूरत माल भी इनमें शामिल हैं और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं। तो अब उसमें एक चीज़ ये है कि हर प्रोजेक्ट की हर प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती, ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका जो एरिया है वो तकरीबन 1.5 लाख कनाल पे है। ये गुलबर्ग ग्रीन्स 1.5 लाख कनाल के रकबे पे फैला हुआ एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है। अच्छा, आप ये देखेंगे कि बिल्कुल यहाँ से मैं लेफ्ट होऊंगा ये राउंड अबाउट से, तो बिल्कुल ये सामने जो है रिफा की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आ जाती है। और ये किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यूनिवर्सिटी का आना, बड़े बड़े डेवलपर्स का आना और ये सब एक उसकी डेवलपमेंट, उसके जो है डेवलपर्स, सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है एक अच्छे डेवलपर की कि ब्रांड्स वहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े मॉल्स वहाँ पर आके अपने जो है डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये अच्छे डेवलपर की जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की
अचीवमेंट होती है। तकरीबन मेरे साथ 7 से 8 किलोमीटर का सफ़र कर चुके हैं और अभी तक आप ये देख रहे होंगे कि राइट लेफ्ट पे कोई आबादी नज़र नहीं आ रही और गाड़ियां तो जा रही हैं, ये कहां जा रही हैं। ये अब हम आ गए हैं गुलबर्ग का जो है वो डी मरकज़ स्टार्ट होने वाला है। गुलबर्ग का एक मेन मरकज़ है, रेजिडेंशिया का मरकज़ है वो डी मरकज़ है और अभी हम बिल्कुल डी मरकज़ के अंदर इन हो रहे हैं और जैसे ही हम डी मरकज़ के अंदर इन होते हैं तो एक शानदार किस्म की खूबसूरत जो है मस्जिद आ जाती है। इस मस्जिद को देखते ही पहले तो रूह को जो है वो तस्कीन मिलता है। 8 किलोमीटर के सफ़र के बाद बंदा थक चुका होता है और ये मस्जिद जो है एक किस्म के बंदे को रूह के लिए तस्कीन का बायस बनती है। इसके अंदर जो है वो पार्क भी आ जाता है फिर। अच्छा, ये इस्लामाबाद के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट हैं और गुलबर्ग ग्रीन्स को अगर मैं नंबर देना चाहूँ तो इस्लामाबाद के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स के अंदर शामिल है। उसकी वजह यह है कि इनका जो आर्किटेक्चर है, इनका जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही खूबसूरत है। अभी देखें आप, इनका रेजिडेंशिया बना हुआ है और ये लेफ्ट साइड पे सारा रेजिडेंशिया है। इसी तरह राइट साइड पर भी ये रेजिडेंशिया और अभी मैं तकरीबन 9-1 किलोमीटर अंदर आ गया हूँ इस्लामाबाद हाईवे से और अभी तक गुलबर्ग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और आगे भी इन्होंने लैंड जो है वो परचेज की हुई है। तो ये अभी तक जो कोर्ट हो रहा है वो 1.5 लाख कनाल का रकबा है गुलबर्ग ग्रीन्स के पास। यहाँ पर आके गुलबर्ग ग्रीन्स के दूसरे ब्लॉक स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से आगे OPF के लिए रोड मुड़ता है, यहीं से हम टर्न लेंगे। तो दोस्तों, ये है गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद का एक ज़बरदस्त किस्म का रेजिडेंशिया। दोनों जानिब खूबसूरत किस्म के घर बने हुए हैं, लोग रह भी रहे हैं। मेरा जो काम है वो आपको गुलबर्ग ग्रीन्स का ओवरव्यू देना है, गुलबर्ग ग्रीन्स के बारे में आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देना है, गुलबर्ग ग्रीन्स का रेजिडेंशिया कमर्शियल ये सब चीज़ें दिखाना है। बेचने की नीयत से आपको नहीं दिखा रहा हूँ बल्कि आपके लिए इंफॉर्मेशन है। गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद को आप कभी आएँ, विज़िट करें सोसाइटी को। अलबत्ता मेरा ऑफिस यहीं पे है, बिल्कुल सामने डी मरकज़ के अंदर मेरा ऑफिस है। अच्छा जी, ये हैं खूबसूरत किस्म के विलास जो गुलबर्ग रेजिडेंशिया में बने हुए हैं और बड़ी ही अमेजिंग लुक देते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। और गुलबर्ग के अंदर क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बाय करनी चाहिए और कब बाय करनी चाहिए, बेस्ट टाइम क्या है, इसके बारे में मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में दूंगा इंशाल्लाह। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। काशिफ को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।